सबको हमारी साइट का पता है बेटा, किया टूकॉन की साइट का, ये चैनल का पता है बेटा, ठीक है? तो आप उस पे विजिट करके ये आज ही अपलोड हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू सिट पेशेंटली और मूव नहीं करना इधर से उधर, है ना? मूवमेंट नहीं कि अभी हम क्लास से बाहर जाएं, अभी हम कुछ इधर जाएं, मूवमेंट नहीं, राइट? चलिए जी, सो दिस इज डाइजेशन इज अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस वेयर अ सेल रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। 10th A, 10th A बेटा, खुशप्रीत जल्दी से आ जाओ। खुशप्रीत इज देयर? हां जी खुशप्रीत बेटा, डाइजेशन इज ए हाइड्रो, क्या ये असर्शन ठीक है कि गलत है? जोर से बोलना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले हेलो करो जरा। हां हेलो। जी अब बोलिए, डाइजेशन इज हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, इज इट करेक्ट कि इनकरेक्ट? जल्दी से, करेक्ट। डाइजेशन इज ए हाइड्रोलिटिक, वेयर अ सेल रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट? यस। यस, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या चीज होती है बेटा? हाइड्रोलिसिस, आई थिंक थोड़ा सा बोर्ड आपको नजर आ रहा है। हाइड्रोलिसिस इज, ये लेट अस से कॉम्प्लेक्स फूड है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है? सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? पता होना चाहिए आपको, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय सप्लाइंग वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन, अगेन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। असर्शन करेक्ट है। रीजन बताइए बेटा, बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी, इज इट ट्रू? दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? ट्रू ट्रू है। है, डाइजेशन भी एनर्जी रिलीज करती है, रेस्पिरेशन भी बेटा? नहीं बेटा, ये गलत है, ठीक है? बैठो बेटा, मैं समझाती हूँ, आप बैठो खुशप्रीत। रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी वेयर एज डाइजेशन कंज्यूम्स एनर्जी। बेटा खाने के बाद जब आपको, जब आप खाना खा लेते हो, लंच कर लिया आज आपने कि नहीं? यस, है ना? और मेरी क्लास में जो है, आपको थोड़ी सी नींद आएगी शुरू शुरू में, यस और नो? इतने कैसे बच्चे हो बेटा, झूठ ही बोल देते हैं कि नहीं मैडम नहीं नींद आती है आपकी क्लास में, बट इट्स ओके, ठीक है? ट्रूथफुल होना चाहिए, है ना? खाने के बाद किसी की भी क्लास हो बेटा या कुछ भी हो तो नींद आती है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ने हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली और ब्रेन को एनर्जी थोड़ी कम मिली, जिसके कारण वो लिथार्जिक हो जाता है। सो डाइजेशन कंज्यूम्स एनर्जी, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी, देन 10th A, एवरीबडी बताइए इसका क्या आंसर होगा? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ए बी सी डी? इस सी, राइट? कैट वाला सी, राइट? कैलकटा वाला सी। इट्स असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, 10th B से आंसर आएगा इसका बेटा। ऑर्गेनिज्म ए इज पार्शियल, देखो पढ़ो जरा, और 10th B में मुझे आंसर देना है बेटा रवजोत सिंह ने। रवजोत सिंह इज देयर? आ जा रवजोत, अपने असाइनमेंट साथ में लाओ बेटा, और इसको एक बार क्वेश्चन, एवरीबॉडी पीछे मत देखो बेटा, उसको करने दो, बाकी सब अपने स्क्रीन पे। असाइनमेंट तो, चलो आई एम सॉरी, असाइनमेंट तो चाहिए नहीं, स्क्रीन पे ही है, आई एम सॉरी। असर्शन, हां जी देखो बेटा स्क्रीन पे देखो फटाफट, पहले हेलो करो, देखें आवाज आ रही है? हाँ हां जी, हां जी बोलिए। ऑर्गेनिज्म ए इज पार्शियल हेटरोट्रॉफ,
although it can photosynthesize, इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, बट इट इज हेटरोट्रॉफ ऑल्सो. इज इट ट्रू कि फॉल्स? बेटा assertion. देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको. It's previous one. अच्छा आ नहीं रहा है. I'm sorry. ठीक है देखते. हाँ जी अब नजर आ रहा है बच्चों. चलिए अब बोलिए बेटा. ऑर्गेनिज्म ए इज पार्शियल हेटरोट्रॉफ ऑल्दो इट कैन फोटोसिंथेसाइज. इट इज ट्रू की फॉल्स? बेटा कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है बट फिर भी वो हेटरोट्रॉफ है, क्या ये ठीक है? हाँ जी आपकी आवाज बोल रहे हो तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही या बोल नहीं रहे आप? जोर से बोलो. फॉल्स नहीं है बेटा. इफ यू रिमेम्बर क्लास सेवेंथ का इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दे ग्रीन? यस दे आर ग्रीन बट दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजन. ठीक है तो इसलिए वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ है तो ये ट्रू है. ठीक है रीजन देखो खुशप्रीत. ऑर्गेनिज्म ए टेक्स फ्यू कॉम्प्लेक्स मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड विच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. क्या मैंने यही बताया था अभी? टेंथ बी बेटा जो स्टूडेंट खड़ा है वो आंसर दो. जो रीजन की स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इट इज करेक्ट. ठीक है तो assertion भी ठीक है reason भी. अब हम देखें कि A choice की B choice. Organism A is partial heterotroph because it takes few complex material from outside which is prepared by other organisms. So reason explain assertion. Yes or no? हाँ जी. टेंथ ई जिसको आता है वो बोले. टेंथ ए टेंथ ई ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज ये रीजन इट इज एक्सप्लेनिंग असर्शन. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके कौन आंसर देगा? टेंथ एफ में से Let me ask. Akshit, tenth F. Akshit, jaldi se. Hanji, digestion is completed and digested food is absorbed in small intestine. Is it true ki false? False. ये फॉल्स है. मुझे ये बताओ डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होती है बेटा, स्मॉल में कि लार्ज में? स्मॉल में. और फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल में कि लार्ज में? उसे टेंथ एफ वाले को बताने दो. हाँ जी बेटा लार्ज में. ओके हाँ जी. टेंथ ए में से फर्स्ट बेंच पे जो बॉय है जिसके सामने माइक है वो बताए असर्शन ठीक है कि गलत है बेटा? अब गलत है. फॉल्स. क्यों फॉल्स है बेटा? बिकॉज़ मैम अब्सॉर्प्शन जो फूड है इज अब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन आखिरी में. मैम वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और फूड स्मॉल में. मतलब डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. एम आई राइट? यस. बेटा यहीं पे गड़बड़ है. पहले आपको बोर्ड क्लियर है कि नहीं?
बेटा ध्यान से, जो डाइजेशन है इट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको पता है। उसके बाद आर यू नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, यस और नो? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन? एंड डू यू ऑल्सो नो दैट अगर हम इस पार्ट को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज विलाए। विलाए क्या करती है बेटा? इंक्रीजेस सरफेस एरिया, है ना। अगर ये सीधी होती, अगर इतनी ही जगह में ये सीधी होती तो लेट अस से 10 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे होती, बट यहां से भी एब्जॉर्प्शन, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है कि नहीं एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए? Yes. इसलिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही है? स्मॉल बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में तो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, थोड़े से मिनरल्स की, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, ये माइंड में रखो। एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो बच्चों को लगता है लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो सारा वाटर वही एब्जॉर्ब होता है। नहीं, मैक्सिमम वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम फूड इज रीअब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो असर्शन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, ट्रू है असर्शन। डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज ट्रू। लार्ज इंटेस्टाइन में तो बहुत थोड़ा बहुत। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, दिस इज ट्रू की फॉल्स? डू यू नो व्हाट इज ब्रश बॉर्डर्ड? विल्लाए, बिल्कुल ठीक है, जहां पे विल्लाए हो। मैम जरा चेक करना हमारे पास ना, चलो एक मिनट हम देखें, सारी आ रही है। So, because, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी विल्लाए, इट अपीयर्स लाइक द ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, ठीक है। व्हाई द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? बिकॉज इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, और लार्ज सरफेस एरिया किस कारण है? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम या विल्लाए के कारण है, राइट। तो हम क्या कहेंगे? डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, और रीजन यही एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका बेटा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, डाइजेशन ऑफ एसिड इन स्टमक अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब मुझे ये बताइए बेटा, टेंथ डी, हाँ जी, टेंथ डी में से कोई बच्चा वॉलंटरीली आओ माइक के पास, जो हिम्मत करके भी हाँ मुझे आता है ये चैप्टर तो मैं ये कर लूंगा। यस, एनीबडी? हाँ जी बेटा, डाइजेशन ऑफ एसिड, कौन सा एसिड होता है पहले बेटा स्टमक में? टेंथ डी में से बोलेगी बेटा, वन गर्ल इज स्पीकिंग, लेट हर स्पीक। सो HCl इज प्रेजेंट बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? किल्स द जर्म्स इनसाइड द स्टमक, इट कन्वर्ट्स नेगेटिव ऑक्सीजन इनटू एक्टिव। वेरी गुड, फर्स्ट इज
माइक्रोब्स और सेकंड है एक्टिवेट कैप्सिनोजन इनटू पेप्सिन. वेरी गुड. इट इज एन एंजाइम. ठीक है जी. मोस्ट एसिडिक एंजाइम है ये, जो एसिडिक पीएच पे काम करता है. अब मुझे ये बताओ बेटा, टेंथ डी में द सेम गर्ल, कि पेप्सिन जो है वो किसको तोड़ता है, किसको हाइड्रोलाइज करता है, प्रोटीन्स को, फैट्स को, कि स्टार्चेस को? प्रोटीन. वेरी गुड. पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन पेप्टाइड्स, छोटी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अब मुझे ये बताओ बेटा, डेफिशिएंसी टेंथ ई में से मुझे कोई बताएगा बेटा? यस, सम स्टूडेंट कम फॉरवर्ड एंड देन टेल मी, डेफिशिएंसी ऑफ एसिड इन स्टमक अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स, इज इट ट्रू कि फॉल्स? हां जी, टेंथ ई गुरलीन, गुरलीन इज देयर टेंथ ई? हाँ जी, पहले तो बोलो जरा, हेलो बोलो बेटा, देखिए माइक से आवाज आ रही है आपके? बेटा माइक से आवाज नहीं आ रही है, देखो जरा. ना आ नहीं रही मैम, जरा चेक करना टेंथ की. हाँ जी, चलिए इतनी देर मुझे कोई और बताए टेंथ ए में से. टेंथ, हाँ जी, दिस इज ट्रू? नहीं बेटा, मुझे बताओ, देखो आपने क्या देखा? कि हम स्टमक में HCl है, HCl तो इसको इफेक्ट कर रहा है पेप्सिन को, और पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ते हैं. वहां था कि HCl इन स्टमक अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बेटा फैट्स आर digested by enzyme lipase into glycerol and fatty acids. और ये कौन सा lipase है? Pancreatic lipase. If you remember, अगर हम ये देखें, दिस इज स्टमक, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पेनक्रियास है. तो पेनक्रियास की डक्ट किसमें खुल रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो पेनक्रियाटिक लाइपेस कहाँ पे आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. जबकि एचसीएल कहाँ पे है? है. तो HCl lipase की एक्टिविटी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, राइट? तो लिपिड्स की डाइजेशन HCl से अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि लिपिड्स की डाइजेशन कहाँ पे हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे HCl है नहीं. इज इट ओके? रीजन दिया हुआ था, तो असर्शन हमारी हो गई रॉन्ग. रीजन दिया हुआ है कि HCl causes emulsification of fats. थोड़ा थोड़ा लिख लेना ताकि एक्टिव रहो. आपने क्लास में तो घर में तो जाके करना ही है. कुछ कुछ वर्ड्स जो है, डू यू नो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकल्स. ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकल्स, बैड पार्टिकल्स, फैट पार्टिकल, या आप कह सकते थोड़ा सा और हम इसको रिफाइन करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल. इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स. फैट ड्रॉपलेट्स. बेटा क्या फायदा हुआ?
इस बड़े को हमने छोटे छोटे में तोड़ दिया, बट यूज डाइजेशन तो हुई नहीं, क्या फायदा हुआ इमल्सिफिकेशन का? एनीबडी रेज योर हैंड्स, यस एनी क्लास, ढीले बैठे हो, सुस्त बैठे हो कि ये नहीं आता? यस टेल मी, 10C, डू यू नो द रीजन? हाँ बोलो फिर। The area for absorption increases. एब्जॉर्प्शन तो अभी हुई नहीं, अभी तो डाइजेशन होनी है। आंसर आपने थोड़ा सा ठीक दिया, आधा ठीक और आधा गलत। हाँ जी 10th B में कोई बता रहा है? मैम, सो दैट एंजाइम एक्ट इजीली एंड मोर. हाँ ये भी ठीक है, तो आधा आधा अगर हम मिलाएं तो बिल्कुल ठीक है, तो पूरा हो जाएगा। क्या आधा आधा मिलाएं? कि इमल्सिफिकेशन इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ फैट फैट्स और मोर एक्शन ऑफ मोर एक्शन ऑफ एंजाइम लाइक दिस। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एक्शन होगा। अगर सरफेस इतना है तो एंजाइम इधर एक्ट कर रहा है, अगर ये टूट के एक्स्ट्रा साइड्स बन गई कि नहीं, ऊपर वाली साइड ये हो गई, नीचे वाली ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बट ये वाली ये वाली ये एक्स्ट्रा साइड्स हो गई, सरफेसेस एक्स्ट्रा हो गए। सो व्हाट डज इमल्सी, जब भी कोई बड़ी चीज छोटी में टूटती है काफी सारे छोटे पार्टिकल्स में, तो सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, एट सम अनदर डे आई विल डिस्कस कि भाई हम कैसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट किसी और पे। तो इमल्सिफिकेशन इंक्रीजेस सरफेस एरिया, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेसेस ज्यादा होंगे उनके ऊपर उतना ही एंजाइम एक्शन ज्यादा होगा। तो इमल्सिफिकेशन इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर मोर एक्शन ऑफ एंजाइम लाइक दिस। सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे है? दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। सॉरी ये तो आई एम सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ एसिड इन स्टमक अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स। नो दिस इज फॉल्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय, हाँ जी कौन करता है? HCL करता है कि कोई और करता है? डज द HCL डू इमल्सिफिकेशन 10th F? पेप्सिन करता है इमल्सिफिकेशन 10th E? इट इज बाइल जूस, वेरी गुड। इमल्सिफिकेशन इज डन बाय बाइल सॉल्ट्स कहो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाइल में सॉल्ट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। सो बाइल सॉल्ट्स जो है वो इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ एसिड इन स्टमक अफेक्ट्स, ये गलत है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय HCL, ये भी गलत है। और अगर दोनों गलत हो तब भी ऑप्शन डी ही आती है, बोथ रॉन्ग या असर्शन रॉन्ग। सो आंसर डी इज करेक्ट। ओके हाँ जी एनी डाउट? हेलो. कार्निवोरस एनिमल्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन हर्बीवोरस एनिमल्स। 10th A, इज इट ट्रू की फॉल्स? इज इट ट्रू? क्या ये गलत है? कार्निवोरस एनिमल्स हैव लॉन्गर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस एनिमल्स, एंड कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली वंस इन ए डे, ये भी गलत है। कई बार खा लेते हैं वो, ऐसा नहीं कि एक ही बार खाते हैं।
सो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेल्टा दिल्ली वाला। चलिए ये देखिए जरा, सोच के देखो फिर मैं पूछती हूँ। हाँ जी बेटा, कौन से वॉलंटरली हु कैन टेल मी द आंसर? यस एक्सक्यूज कैन बी, वेरी गुड, बोलो बेटा। हाँ मी मैम, देर इज सम डाउट विद दिस गर्ल। जी बेटा बोलो। मैम हर्बीवोरस की लॉन्ग नहीं होती एज कंपेयर टू कार्निवोरस? मैं एक बार बेटा वो चेक करती हूँ, एक बार मुझे मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, आई विल चेक। राइट, ये देखिए बाइल न्यूट्रलाइजेस, ये वाला आंसर बताइए। यस, हु कैन टेल मी? बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक चाइम, हैव यू हर्ड अबाउट चाइम? मैं मैं अभी बता देती हूँ, हम ये देख ले पहले, मैं इसका बता दू। बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक चाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जनरेट्स एल्कलाइन पीएच। दिस इज करेक्ट, ट्रू है ये बेटा। एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट इन एल्कलाइन मीडियम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रीजन, बाइल न्यूट्रलाइजेस दिस, क्यों करता है? क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करते हैं। आंसर इज ए, ठीक है। लेट मी टेल यू दिस वन, कि जो बाइल, पहले तो स्टमक में से सेमी डाइजेस्टेड, बेटा जो स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा वो एसिडिक होगा कि एल्कलाइन होगा? एसिडिक एसिडिक होगा, क्योंकि HCl था ना, उसने पीएच लो कर दिया था, तो सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड पासिंग फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज चाइम। जो फूड स्टमक से, एसिडिक फूड जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसको हम चाइम कहते हैं, ठीक है। इधर से पेनक्रियास का आया, इधर से लिवर के, बाइल डक्ट से बाइल भी आ रहा है। बाइल जो है वो बहुत एल्कलाइन होता है, इसलिए वो इतना एल्कलाइन है क्योंकि जो स्मॉल, जो यहां से चाइम आ रहा है दैट इज एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक काइम या चाइम, जो भी काइम भी कह देते हैं, चाइम भी कह देते हैं। बट क्यों न्यूट्रलाइजेशन चाहिए? बिकॉज जो पेनक्रियास के एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो यहाँ पे आते हैं काम करते हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते। इज इट ओके? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि बाइल न्यूट्रलाइजेस असर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। काइम का लिख लो अपनी कॉपी में सारे बच्चे, कि व्हाट इज काइम? सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड एंटरिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, टेंथ बी, टेंथ सी में से बेटा वंशिका, वंशिका इज देयर? आ जाओ आगे, आ जाओ बेटा, देखो जरा माइक काम कर रहा है। हेलो वंशिका,
आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलना। हेलो मैम। हाँ जी, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैव स्मॉल सरफेस एरिया एंड दस डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड। रीजन है बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट फॉर मोर एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो असर्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है, पहले बताइए। मैंने अभी बताया था कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल का सरफेस एरिया कम होता है कि ज्यादा होता है। ज्यादा स्मॉल फैट जब लार्ज फैट से छोटे टूटते हैं, इसका लार्ज का ज्यादा है कि सब छोटे का मिलके ज्यादा है? छोटे छोटे का का ज्यादा है। व्हेन ऑल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आर फॉर्म, स्मॉल दीज हैव मोर सरफेस एरिया देन सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल। इज इट राइट? तो असर्शन ठीक है कि बेटा गलत है? बिल्कुल ठीक है वंशिका। रीजन देखो, बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फॉर मोर एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज। दिस इज ट्रू ट्रू वंशिका को बोलने दो बेटा। वंशिका जोर से, ट्रू ट्रू है। अब देखो क्या रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैव स्मॉल सरफेस एरिया एंड दस डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड बिकॉज बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। क्या ये बिकॉज का आंसर आएगा? यस नहीं आएगा बेटा। देखो बिकॉज नहीं ना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैव स्मॉल सरफेस एरिया एंड दस डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड देयरफॉर बाइल ब्रेक्स लार्ज, है ना? ये देयरफॉर आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। ये कब होता? तो आंसर इसका आएगा बी, बॉम्बे वाला बी। बट अगर यहां पे देखो, अगर हम इधर असर्शन और रीजन को रिवर्स कर दे, अगर हम असर्शन कर दें कि व्हाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, अच्छा चलो जो भी था, रीजन है लार्ज फैट ग्लोब्यूल हैज लेस सरफेस एरिया एंड दस डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड। तो अगर ये हो जाता बाइल ब्रेक्स दिस बिकॉज लार्ज फैट ग्लोब्यूल हैज लेस सरफेस एरिया, फिर तो ऑप्शन आता ए। बट ये हो गया रिवर्स, ये थी असर्शन और ये है रीजन। लार्ज फैट ग्लोब्यूल हैज लेस सरफेस एरिया बिकॉज बाइल ब्रेक्स, ऐसा तो नहीं ना? ठीक है, तो इसलिए नहीं है ना। बहुत ध्यान से करके देखना है, बिकॉज लगा के सोचना है कि क्या ये आंसर है। ठीक है बेटा, बैठो बैठो बच्चे, 10C स्टूडेंट सिट डाउन। सो आंसर इज, जो वहां था आंसर इज बीटा, बट अगर ये होता तो आंसर क्या होता? ए ये आंसर हो जाता। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अच्छा आप मुझे ये बताइए पहले कि अब रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस है, बट एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम डाइजेशन प्लीज न्यूट्रिशन। हाँ जी कैन यू रिपीट द स्लाइड नंबर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सर्च रीजनिंग। बेटा, असर्शन रीजनिंग मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या था? क्वेश्चन नंबर 7th में असर्शन है लार्ज फैट ग्लोब्यूल हैज लेस सरफेस एरिया एंड दस डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड। ठीक है, और रीजन ये है कि बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट क्या कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल इज डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड बिकॉज
बाइल ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, बिकॉज इसलिए तो नहीं है ना बेटा, इज इट राइट? बिकॉज अगर इसका करेक्ट रीजन होता तो क्या होना चाहिए था, कि बिकॉज लेसर द सरफेस एरिया लेस द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेस. अगर रीजन ये होता तो फिर हम कहते ऑप्शन ए, बट रीजन ये दिया हुआ है. दोनों ऑप्शंस करेक्ट है बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, सो ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट. हाँ जी, एनी डाउट बेटा? इज इट क्लियर? यस मैम. ओके चलिए जी, अब मुझे बताइए कि डाइजेशन वाले पोर्शन में एनी डाउट, कोई प्रोसेस तुम्हें लगता हो कि हमें कंफ्यूजन है तो यू कैन टेल मी. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनी डाउट यू कैन टेल मी. हाँ जी बेटा, उसके बारे में बताऊं? हाँ जी, हाँ जी बेटा बोलो. 10th बी. हाँ, there was assertion raising that carnivores have long intestine as compared to herbivores. वो मैंने आपको कहा है कि वो मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगी. I mean NCERT it is given that carnivores have shorter small intestine as compared to herbivores. Herbivores have longer intestine than carnivores, right? Yes. मैंने क्या बताया था, ये उल्टा बताया था मैंने? Yes. चलिए फिर ये ठीक है. अभी herbivores, let me see the slide. कार्निवोरस, ठीक है जी, इसकी असर्शन गलत हो गई और रीजन भी गलत ही. हाँ तो बेटा मैंने यही बताया था आपको कि असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. डी में बेटा जो डी ऑप्शन होती है ना, असर्शन इज ट्रू. असर्शन इज ट्रू. कार्निवोरस एनिमल्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन, ओके then assertion true, reason false, option D is correct. देखो D option जो होती है वो क्या होती है, दो चीजें होती है यहाँ पे. एक मिनट, आपने कहा है I'm sorry. False, option C is correct. I'm sorry. ठीक है बेटा? Yes ma'am. ठीक है, option C is correct. हाँ जी, एनी अदर कोई स्टूडेंट मुझे 10th सी में से कह रहे थे कुछ, कोई न्यूट्रिशन में से? सिक्स्थ असर्शन रीजन. ओके हाँ जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा, बोलो बोलो. यस 10th सी बेटा, असर्शन ठीक है कि गलत है पहले ये बताओ. जब हम एसिड और एल्कली को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यस और नो? यस. वही चीज है, बाइल इज एल्कलाइन. जो एसिडिक काइम आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उधर से बाइल आया, तो एसिडिक काइम और एल्कलाइन बाइल ने मिलके न्यूट्रल बना दिया. न्यूट्रल टू, अब आपको कंफ्यूजन ये है कि पेनक्रियाटिक, वो न्यूट्रल हो गया तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैसे एक्ट करेंगे, यस और नो? यस. है ना, तो क्या होता है बेटा कि बाइल जो है वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन, एक तरफ तो उसने एसिड को न्यूट्रलाइज किया और हल्का सा, ऐसा नहीं हम कहते कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स 14 पीएच पे एक्ट करते हैं, नहीं 7.5 पे एक्ट करते हैं, राइट? सो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, इतना तो हो जाता है, बाइल इतना तो प्रोवाइड करता है, यस और नो? ठीक है, इज इट ओके नाउ? यस. ठीक है, चलिए. एनी डाउट फ्रॉम डाइजेशन न्यूट्रिशन? नो. अच्छा जी, अब चलिए मुझे ना इसमें से थोड़ा सा हम
रेस्पिरेशन की पहले बात करते हैं। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेल रेस्पिरेशन? What is the difference between breathing and cell respiration? Yes, कौन बता रहा है? जल्दी से। Breathing is exhaling, inhaling and exhaling process. बिल्कुल ठीक है। Breathing is that is intake of fresh air and giving out of foul air. And what is cell respiration? It is yes. Change of among cells. दोबारा से exchange of gases between cells, exchange of gases between cells and alveoli, right? Yes. E cells and blood. Cells and alveoli. Cells and alveoli. Anybody else? Tenth E. Tenth B. Tenth D. Breakdown of glucose with the help of oxygen. Breakdown of glucose with the help of oxygen. That is? Cell respiration. Respiration. बिल्कुल ठीक है. So, breathing is simply inhalation and exhalation. This is breathing. उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ऑल्दो ब्रीदिंग भी इसका पार्ट है बट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैस. कहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है? दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज ब्लड. ब्लड कहाँ गया? सेल्स में. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट टू पॉइंट्स, दैट इज एट द लंग्स एंड इन द टिश्यूज, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड सेल्स. This is external respiration, and in the cell there occurs internal respiration or cell respiration, that is breakdown of glucose in the presence of oxygen into carbon dioxide, water and energy. This is cell respiration. Oxidation of food is cell respiration. Is it okay? ठीक है जी. तो सेल रेस्पिरेशन कितने टाइप की है? एरोबिक एंड एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है? टेंथ ए. यस, मुझे आवाज आ रही है. टेंथ एफ बताएंगे. टेंथ एफ, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? इट इज फर्मेंटेशन. In which respiration more energy is produced? Aerobic ki anaerobic? Aerobic. Because क्यों? अब reason assertion इसमें आ गया. Because it occurs in the presence of oxygen. It occurs in the presence of oxygen. तो क्या हो गया? Oxygen ने क्या किया? हम एक assertion को लिख लें. Aerobic respiration produce more energy. और आपने reason बताया aerobic respiration
occurs in presence of oxygen. बेटा आंसर इसका आएगा बी. रीजन डज नॉट. रीजन क्या है इसका, व्हाई इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, बिकॉज इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड. There is complete breakdown of food. Is it okay? Reason ये है कि anaerobic respiration में incomplete breakdown होता है, whereas aerobic respiration में there occurs complete breakdown of food. That's why it is the. अगर reason ये होता, assertion ये होता, तो option A correct. Is it clear? सबको clear है? Yes. चलिए. So this is aerobic respiration. Anaerobic respiration produces very less energy because there is incomplete breakdown of food. Anaerobic respiration is also called as fermentation. Can you give me any example useful of organism showing anaerobic respiration? It is? Yes, 10C? Yeast. एक yeast है, दूसरा lactic acid bacteria है. One is yeast, another is जो हमारी दही में मिलते हैं lactic acid bacteria, जिसमें lactic acid fermentation होती है. और भी बहुत है, but these two are common example. अब हम जरा इसके reason assertion देख लो. हाँ जी. Oxidation of food in the cells release biologically useful form of energy. Is it true? Yes or no? This is true. Biological useful form of energy is ATP, adenosine triphosphate. And oxidation of food is respiration. ये जो हमने की है यहां पर. So this releases useful form of energy, which is ATP. Oxidation of food may occur in the presence or absence of. यहाँ पे एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. ऑक्सीजन. यस. ठीक है जी. हाँ, क्या हुआ ये? फॉल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्यों फॉल्स क्यों हुआ बेटा? बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है. ठीक है. इट मे अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन. कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चे? बी. बीटा. बॉम्बे वाला आंसर इज बी. यस. ये देखिए, कीजिए फटाफट से. चलो हम दो तीन, आप ना ये क्वेश्चन नंबर लिख के ए बी सी डी चॉइसेस लिखिए, फिर हम करते हैं. जरा कर ले, हम दो तीन क्वेश्चंस कर ले. सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ईच लिविंग सेल रिक्वायर्स एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय सेल रेस्पिरेशन. करो, कौन सा लिखो जरा? क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर लिखिए. करें आगे. क्वेश्चन नंबर 10th. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. रीजन है ओनली एनिमल सेल्स प्रोड्यूस एटीपी. देखो क्या है, ए बी सी डी में कौन सी चॉइसेस है, लिखिए फटा. ऐसे नहीं बोलना, अपना अपना लिखो पहले. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ये हमने अभी किया. इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर अकर्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड. चलिए फटाफट एक एक क्वेश्चन हमने हर सेक्शन में से पूछना है.
plants do not have specialized respiratory organs and also have slow transport system as compared to animals. In plants, many cells are dead and thus plants have low energy needs. Karo patafat se. लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो आंसर्स ए बी सी डी, लिख लो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख लो. हीट पोल्यूशन ऑफ वाटर किल एक्वेटिक एनिमल्स ड्यू टू एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया होता है दम घुटना, कि पानी अगर गर्म हो जाए उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं दम घुटने से. रीजन क्या दे रहा है? Less oxygen is available in warm water as solubility of oxygen in water decreases with increase in temperature. कि अगर temperature बढ़ जाएगा तो पानी में जो oxygen है वो कम होगी. And one more question. ये तो same ही आ गया. ये देखिए. टेंथ है कशिश चौधरी, जल्दी से. टेंथ है कशिश. कशिश जल्दी से आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने देना है. क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई In each lung ensures large surface area for gaseous exchange. Is this true or false? True. True. Reason is volume of lungs changes due to muscular wall of lungs only. This is true or false? सोच के बोलो कि volume lungs सिकुड़ते हैं जब हम inhale करते हैं exhale करते हैं. क्या सिर्फ lungs की movement होती है कि रिब्स की मूवमेंट है, डायफ्राम की मूवमेंट है, किससे होती है? सिर्फ लंग्स की मूवमेंट से? बेटा ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. वॉल्यूम ऑफ लंग्स चेंजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स. लंग्स की वॉल से नहीं कुछ होता है. ठीक है, समझ में आई? पहला असर्शन ठीक है, रीजन गलत है. रीजन क्यों गलत है? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लंग्स, लंग्स सिकुड़ते हैं या एक्सपैंड करते हैं. क्यों? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द मूवमेंट ऑफ रिब्स. राइट, ये आपकी बुक में दिया हुआ है. सो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बेटा? असर्शन ठीक, रीजन गलत. बिल्कुल ठीक है, आप बैठो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. अनामिका 10th बी. अनामिका जल्दी से बचे, भाग कर आओ, भाग कर. असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है बच्चे? असर्शन इज ट्रू. रीजन फॉल्स है. क्यों मर जाते हैं? हीट पोल्यूशन से क्यों जानवर मर जाते हैं? उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है. क्या मुझे समझ नहीं आ रही, कौन बोल रहा है, कौन सा सेक्शन बोल रहा है? टेंथ ए आई हो. हाँ, ऑप्शन नहीं, असर्शन ठीक है. रीजन क्यों मर जाते हैं हीट पोल्यूशन से? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेंपरेचर डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. यस, बिल्कुल ठीक है. रीजन भी ठीक है बेटा, क्योंकि अनामिका आंसर इसका ए है बच्चे. पानी बहुत गर्म हो जाए तो मर जाते हैं. क्यों? क्योंकि पहले तो पानी में वैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. दैट्स व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स दे आर किल्ड. इज इट ओके अनामिका? ठीक है, बैठो बेटा. 10th C, Danish. 10th C, Danish.
हाँ जी बेटा, अच्छा ये तो फिर आ गया इससे हीट पोल्यूशन, ये 12। ये बताइए जी, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ऑल्सो हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज करेक्ट कि रॉन्ग? जोर से बोलो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। दिस इज रॉन्ग। एनीबडी एल्स? दिस इज ट्रू बेटा, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे हमारे पास लंग्स है, फिशेस के पास गिल्स है, ट्रेकिया है, इनके पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके बहुत सारे सेल्स जो है वो डेड होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, बैठो। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 10th डी सतवीर, 10th डी सतवीर, ये बेटा ये वैसे मैंने क्वेश्चन अलग दे दिया आपको। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज ब्लोन इनटू इट, दिस इज करेक्ट कि रॉन्ग? सतवीर को बोल ले दो बेटा। हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, जो भी है वो बोले। लाइम वाटर कंबाइंस विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज ट्रू? This is false. Lime water क्या होता है? Calcium hydroxide है बेटा. And when it combines with 10th C, girls बेटा, seat पे बैठो अपने. So this is A. कि lime water turns milky. बेटा milky क्यों है? क्योंकि जो भी compound बना है वो soluble नहीं है. Lime water combines with carbon dioxide to form calcium carbonate which is insoluble in water. ठीक है बेटा, 10th B. So answer इसका A है बच्चे। हाँ जी 10th B कुछ पूछना बेटा? बैठो बैठो अपनी सीट पे बैठो। हाँ जी 10th F. Tenth F, बेटा युवराज, युवराज इज देयर? नो, युवराज नहीं आया है। शिवम इज देयर 10th F? जल्दी से कौन बता रहा है बेटा, चलो जल्दी से क्योंकि आपका टाइम भी हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस, ये हमने कर लिया था कि नहीं? ये आपने बताना था मुझे। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, यस और नो? ट्रू है कि फॉल्स है? यस एनीबडी 10th ई? चलिए जी, aerobic respiration produce more energy, that is true, and in aerobic respiration there occurs complete breakdown of food, this is the correct answer reason, so option A is correct. Is it okay students?